अपने पिता को हराओ, ज्ञान से हराओ, क्षमताओं से हराओ, योग्यताओं से हराओ, बातों से मत हराओ। अगर बातों से हराओगे ना तो एक दिन आपके बच्चे भी आपको भी वैसे ही हराएंगे। जिंदगी के बड़े मकसद पूरे करने हैं, बड़े मकसद पूरे करने हैं। कितने बच्चों के जीवन के मकसद हैं? आपने अपना मकसद बना लिया है ज़िंदगी में क्या करना है आपको? अगर बना लिया है तो एक बार हाथ उठाओ कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने बना लिया। बहुत ज़ोरदार तालियां बजा लो अपने लिए। जीवन के बड़े मकसद को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है आपको पता है? अगर किसी बड़े सपने को साकार करना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? शिक्षा। बेटा, शिक्षा भी होगी, सहयोग भी होगा, पैसे भी होंगे, परिवार के लोग भी रहेंगे, सब होगा, मगर एक चीज़ नहीं होगी ना तो सब बेकार है। सब बेकार है, और वो चीज़ क्या होती है वो आप खुद समझ लेना। मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा ये डिवाइस है, इसको देखते हो, पहचानते हो इसे? क्या करते हैं इससे? इससे क्या करते हैं? इससे छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। अगर कोई छोटे छोटे अक्षर हैं उसके ऊपर रखेंगे तो बहुत बड़े बड़े अक्षर दिखाई देंगे, आराम से पढ़ लेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, जो बड़ा करके दिखाता है। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से हम छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं, लेकिन कभी इस ग्लास से कोई और दूसरा काम किया है? कभी कोई कुराफात किया है आपने? बदमाशियां कोई की है? किया है, क्या किया है, क्या किया है? आग लगाए हैं। कहाँ पे आग लगाए? हाथ पे आग लगा दिए, कागज पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, सभी जानते हैं, एक बाबूजी को पता चला, वो तो इस वाले ग्लास से बच्चों से मांग के और अपनी बीड़ी सुलगा लिया करते थे। इस ग्लास में वो शक्ति है, लेकिन ध्यान से सोचना जरा। बस एक छोटा सा चिंतन मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ। मान लो ये कागज़ है, ये हाथ हाथ नहीं है, ये कागज़ है। मान लो सूरज की किरणें हैं, ये ग्लास भी है, और मैंने सूरज की किरणों को अपने इस कागज़ पे फोकस किया। कितने देर में कागज़ में आग लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में आग लगती है, लगती है ना? 3 से 4 मिनट पे कागज़ पे फोकस मैं कर दूंगा तो आग लग जाएगी। किरणें सूरज की हैं, ग्लास ये है और कागज़ है, तीनों को एक साथ एक जगह पे रखा, आग लग जाएगी। लेकिन ये कागज़ है, सूरज भी है, ग्लास भी है, लेकिन मैं इस ग्लास को ऐसे रख कर और ऐसे ऐसे हिलाते रहूँगा, कितनी देर में आग लगेगी? कितनी देर में आग लगेगी, ज़ोर से बोलो। नहीं लगेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, दिन भर? नहीं, पूरे दिन भर कागज़ रहेगा, सूरज की किरणें रहेंगी, ये ग्लास रहेगा, मैं भी रहूँगा, लेकिन आग नहीं लगेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि अपने फोकस को मैं बार बार हिला रहा था, एक बिंदु पे मैंने उसे रोक कर नहीं रखा। ये शीशा, ये ग्लास कौन है? कौन है ये? कौन है? आप हो? आप हो या आपका मन है? आपका मन है। सूरज है, सूरज रूपी शक्ति देने वाला पिता है, यानी हमारे घर के माता पिता हैं। ये अग्नि को जलाने के लिए जो कागज़ है वो भी है, हम भी हैं, लेकिन हमारा ये जो मन रूपी ग्लास है वो डोल रहा है, हिल रहा है, कभी पढ़ाई पे, कभी किचन में, कभी टीवी पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी मित्र के पास, कभी फिल्म में, कभी घूम लेते हैं, कभी दोस्ती कर लेते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं।
अगर मन बार बार डोलते रहेगा, हिलते रहेगा, सब कुछ होगा ज़िंदगी में, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। आपके सपने जीवन में कभी साकार नहीं होंगे। कितनी भी पढ़ाई कर लोगे, कितने भी अच्छे परिवार से होगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में अगर मन आपका डोल रहा होगा तो। लेकिन अगर उस मन रूपी ग्लास को एक बार एक जगह पर टिका दोगे, सिर्फ एक साल दो साल, जिंदगी बदल जाएगी। सुभाष चंद्र बोस के पिता बार बार हंसते थे सुभाष चंद्र बोस पर कि तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। सुभाष चंद्र बोस को ये बात बड़ी लगती थी, चोट लगती थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मन ही मन कि पिताजी एक दिन मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस विदेश जाते हैं, ICS की पढ़ाई हुआ करती थी लंदन में, जिसमें अंग्रेज़ छात्रों को उस पढ़ाई की तैयारी करने में 4 वर्ष लगते थे, 4 साल लगते थे। 4 साल की पढ़ाई के बाद इम्तहान में बैठते थे, तब कोई पास होता था या कोई फेल हो जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 9 महीने की पढ़ाई की थी और ICS भारत के पहले ICS बने थे, इंडियन ICS पहले। सिर्फ 9 महीने की पढ़ाई, वो जो 9 महीने अपने मन को रोक दिया ना, आग लग गई थी। जिस समय सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जा रहे थे लंदन, बंदरगाह पे उनके रिश्तेदार और वो खुद, उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं था, लेकिन 9 महीने की मेहनत मशक्कत के बाद उस इंसान ने ICS के उस इम्तहान में आग लगाने के बाद जब सुभाष चंद्र बोस भारत के बंदरगाह पर लौटते हैं, लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए। ये भारत का कोई सपूत है जो अंग्रेज़ों के सबसे बड़ी नौकरी को हासिल भी कर लेता है सिर्फ 9 महीने की मेहनत में, और लात मार कर चला आता है भारत माता की सेवा के लिए। ये वो शक्ति थी, ये मन की वो स्थिति है। जब तुम्हारा मन डोलेगा तो कुछ भी कर लोगे, सपने कितने भी बड़े रखोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तब फिर क्या होगा, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब कहोगे हमारे भी सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन माताजी ने सपोर्ट नहीं किया, तो पिताजी ने ये नहीं किया, तो दोस्तों ने ये किया, तो दुश्मनों ने किया। शिकायत के सिवा और कुछ नहीं रहेगा आपके पास में जीवन में, इसलिए बेहतर यही होगा, इन सारी शिकायतों के तरफ जाने से बेहतर है कि अपने मन को एक बार जिस कार्य को कर रहे हो ना, उस कार्य में पूरा लगा देना, ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब है, गुरुजन तो बैठे हुए हैं, ये अपने जीवन के पूरे अनुभव को आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेगा कौन? आप कब? वर्षा हो रही है, बादल बरस रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, आप मुंह खोलकर पानी नहीं पी सकते हो, आपको पानी चाहिए, लेकिन बर्तन तो है मगर उल्टा करके बर्तन रखा हुआ है, बर्तन उलट कर रखते हैं, वर्षा की बरसात बर्तन के ऊपर से बह जाएगा लेकिन बर्तन को भर नहीं पाएगा। ये पात्र जो है ना, ये छात्र होते हैं, आप वो पात्र हो। गुरुजनों का ज्ञान बरस रहा है, आपने सीधा रखा है क्या? अगर सीधा रखा है तो इनका ज्ञान तो हमेशा बरसता है। यही कारण है कि एक ही कक्षा के एक ही गुरुजन, जिस कक्षा में 30-40 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे फर्स्ट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं उस क्लास में फेल भी करते हैं। क्यों? गुरुजन में कोई कमी है? शिक्षक में कोई कमी है? कोई कमी नहीं, ये तो बारिश की तरह बरस रहे हैं। लेने वाले बच्चे कैसे हैं? बर्तन को उल्टा रखा है, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, बैठे हैं कक्षा में, ध्यान बाजार में है, तो कुछ नहीं होगा जीवन में बेटा। इसलिए सपने सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं होता है, सपनों को साकार करने के लिए उसकी जो कीमत होती है वो देनी पड़ती है। वरना मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देखा है बेरोज़गारी को सामना करते हुए। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक नौजवान मुझे मिला था हिमालय क्षेत्र में, मेरी उससे बात हुई, मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, उसने कहा कि कुछ भी नहीं करता हूँ। मैंने कहा आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, उसने कहा मैंने PhD किया है, साधारण शिक्षा नहीं, PhD किया है। आपको पता है ना PhD कब करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद, तब जाकर रिसर्च करते हैं, वर्षों के रिसर्च के बाद PhD कोई होल्डर होता है। मैंने कहा डिग्री मिल गई है, हाँ मुझे PhD की डिग्री मिल गई है। मैंने कहा फिर कुछ करते क्यों नहीं हो, नौकरी करते क्यों नहीं हो, नौकरी मिली नहीं, क्यों नहीं मिली? मैंने पूछा क्यों नहीं मिली, वो कहते हैं मैंने अपने चाचा जी को कहा है
कि मेरी नौकरी के लिए कुछ करो। मैंने कहा आपके चाचा जी क्या करते हैं? उन्होंने कहा भारत सरकार के मंत्रालय में वो मिनिस्टर हैं। ऐसे परिवार से था वो। कहता है मेरे चाचा जी भारत सरकार के मंत्रालय में मंत्री हैं। मैंने चाचा जी को कहा है मेरे लिए कुछ नौकरी का बंदोबस्त करो। चाचा जी ने कहा मंत्रालय में अभी कोई जगह नहीं है। तो नौजवान बैठा हुआ है और मैंने कहा फिर आपने क्या कहा चाचा जी को? तो वो कहता है कि मैंने चाचा जी को कहा कि आप तो मिनिस्टर हो ना, तो कोई पोस्ट क्रिएट करो मेरे लिए, मुझे नौकरी पे लगाओ, कब तक मैं बैठे रहूँगा। एक नौजवान पढ़ा लिखा है, PhD किया हुआ है, अपने चाचा जी के कंधे पे सवार होकर अपनी 30 साल की उम्र गुजार रहा है और कह रहा है कि नौकरी नहीं है, क्या हो गई वो पढ़ाई? इसी को कहते हैं बिन बुद्धि जरो विद्या। अगर ये बुद्धि काम नहीं करती हो ना, ये मन अगर कमज़ोर हो ना, तो सारी डिग्रियाँ, सारी विद्याएँ, सारी जानकारियाँ सब जल जाएंगी, किसी काम की नहीं होगी। हौसला ज़रूरी है, मन की मजबूती ज़रूरी है। उसको मजबूत करने के लिए अभी से अगर आप अभ्यास नहीं करोगे ना, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। आज के नौजवान में बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं, आप देख रहे हो। एक अच्छी बात, आजकल धीरे धीरे लड़कियों का ग्राफ रिजल्ट्स में अच्छे आ रहे हैं लड़कों की तुलना में। आपके स्कूल में ऐसा हुआ गुरुजी कि बच्चियों का ग्राफ बढ़ रहा है, लड़कों के ग्राफ डाउन हो रहे हैं? क्यों? जबकि माता पिता कहते हैं बेटा है सबसे ज़्यादा, टेढ़ा भी है तो मेरा है ना, घी का लड्डू टेढ़ो भला। यानी सारे माता पिता लगे हुए हैं बेटों को बेहतर करने में, लेकिन बेटियां बेटों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। हर इम्तहान में पूरे भारत में यही चल रहा है। क्यों? कारण एक है, बेटों के पास शक्ति तो बहुत है, डोलता हुआ मन डगमगा रहा है, डगमगा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं। तो कभी फिल्म में चले जाएंगे, कभी मित्र के साथ पार्टी करेंगे, कभी ऐशो आराम करेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, और कभी कभी तो प्यार मोहब्बत में भी पड़ जाएंगे। ये भी खतरनाक बीमारी लग रही है आजकल नौजवानों को, और इस चक्कर में बच्चे अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद किए चले जा रहे हैं। तो याद रखना, समय आपके पास जो है ना एक ही है, और दिल कितना है, दिल कितना है आपके पास? एक दिल वाले कितने लोग हैं? एक। दो दिल वाले? अब जरा सोचो, दिल तो एक है। एक वो ग्रंथ, आपने रामायण की कथा में विभीषण ने जब कहा हनुमान जी को कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं, श्री राम कहाँ रहते हैं, वो कहते हैं मेरे दिल में रहते हैं, दिखाना जरा, छाती फाड़ कर दिखाते हैं और भगवान श्री राम माँ जानकी वहीं विराजमान हैं। तो इस कथा के माध्यम से हनुमान जी महाराज हमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे मन में कौन रहता है, कौन रहता है, भगवान या शैतान, पढ़ाई या मौज मस्ती या पार्टी, पढ़ाई पे ध्यान या प्यार मोहब्बत में ध्यान, कौन रहता है? एक मन है तो एक ही रहेगा, उसमें 10 नहीं रह सकते हैं। इसलिए एक जगह पे एक बार में मन एक ही जगह पे लगा सकते हो। ये ग्लास एक ही जगह पर फोकस कर सकती है, दो बिंदुओं पर एक साथ फोकस नहीं कर सकती है। समय आपके पास बहुत कम है, इस कम समय में आप अपने फोकस को एक जगह पर लगाओ, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि आने वाले समय में आपके भी गुरुजन आपके चेहरे को देखकर याद करेंगे और फ़क्र से कहेंगे ये बच्चे, ये बेटियाँ, ये लड़कियाँ, ये लड़के मेरे स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए हैं। फ़क्र होता है, आपको पता है, एक पिता, एक गुरु सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? जब वो हार जाता है। जब एक पिता और एक गुरु अपने ही बच्चों से, अपने ही संतानों से जब पीछे पिछड़ जाता है और बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, तो उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है मेरे बच्चे मुझे हरा देंगे, उस दिन मुझे बहुत फ़क्र होगा। यानी माता पिता फ़क्र महसूस करते हैं जिस दिन आप अपनी माँ से ज़्यादा पढ़ लोगे, आप अपनी माँ से बेहतर कर लोगे। आपके पिता उस दिन बहुत खुश हो जाएंगे जिस दिन आप अपने पिता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। और पिता, हारा हुआ पिता भी शान से कहता है देख लो मेरा बेटा, मैं तो यही रह गया, लेकिन देखो मेरा बेटा आज कहाँ है। अपने पिता को हराओ, ज्ञान से हराओ, क्षमताओं से हराओ, योग्यताओं से हराओ, बातों से मत हराओ। अगर बातों से हराओगे ना, तो एक दिन आपके बच्चे भी आपको भी वैसे ही हराएंगे।